डी कंपनी के गुर्गे पहले पाव टकला के फरमान पर नाना को ढूंढ रहे थे, अब वो सीएसबी के कहने पर सेठ को तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है कि डी कंपनी ने अपना ओहदेदार और टारगेट दोनों बदल दिए, लेकिन ऐसा है नहीं। टारगेट तो वही है, हुक्म देने वाला भी वही है, बस कोड बदल गया। टॉन के बड़े गुर्गे अब बन चुके हैं छोटा भाई। गौर से देखिए इस चेहरे को। दाऊद इब्राहिम का खास सिपह सालार छोटा शकील, जिसकी हैसियत अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद से बस थोड़ी ही कम है, लिहाजा अंडरवर्ल्ड के गुर्गे छोटा शकील को भी नाम से बुलाने में परहेज करने लगे हैं। उन्होंने छोटा शकील को भी दे दिए हैं कोड नेम। छोटा शकील का नया कोड। वैसे छोटा शकील नाम भी टी कंपनी का ही दिया हुआ था। बाद में छोटा शकील को दाऊद के गुर्गे पाव टकला कहने लगे। इसकी वजह ये थी कि छोटा शकील के बाल तेजी से गिर रहे थे और उसका सिर गंजा हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी में छोटा शकील का रुतबा बढ़ा तो गुर्गों ने उसे पाव टकला कहना बंद कर दिया। पाव टकला की जगह छोटा शकील को नया कोड नाम मिला छोटू भाई। लेकिन ये नाम भी ज्यादा दिन नहीं चला। अब डी कंपनी में सीएसबी का सिक्का चलता है। सीएसबी मतलब छोटा शकील भाई। छोटा राजन के बड़े नाम। दाऊद से खुलेआम बगावत करने वाले छोटा राजन को भी उसके गैंग ने कई नाम दे रखे हैं। इनमें सबसे पहला नाम था मर्द। मर्द नाम छोटा राजन को इस बात के लिए दिया गया था कि उसने दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत दिखाई थी। बाद में जब खुफिया एजेंसियों के साथ साथ डी कंपनी भी छोटा राजन के पीछे पड़ी तो वो कोड नेम के सहारे अपने गुर्गों से संपर्क साधने लगा। सूत्रों का कहना है कि छोटा राजन को पहले सी आर कहा जाता था, सी से छोटा और आर से राजन। फिर उसे नया कोड नाम मिला नाना। इसके अलावा शेर, पंजी भाई और चालू भाई भी छोटा राजन के ही कोड नेम है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े बदमाशों ने अब इतने अनोखे कोड वर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी उनके मंसूबे भाप पाना आसान नहीं। अब कौन सोच सकता है कि अगर फोन पर दो लोग शर्ट देने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी को निपटाने के लिए सुपारी दी जा रही है। मुंबई में विवेक कुमार भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।